मनोरंजन जगत एक ऐसा नाम है जिनका जिक्र किए बिना फिल्मी हस्तियों की गिनती अधूरी रह जाती है, जो बॉलीवुड और हॉलीवुड में अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी लाइव लाइफ के चलते सुर्खियों में रहे, जिनकी आवाज में इतना दम है कि कानों में पड़ते ही आपको पहचानने में जरा सी भी देरी नहीं लगेगी, जिन्होंने अपनी बेटी से भी कम उम्र की लड़की से शादी की। एक ऐसे ही शख्सियत जिसने जिंदगी में जो चाहा वो पाया, और वो है कबीर बेदी। आज इस स्टोरी में हम कबीर बेदी की जिंदगी पर नजर डालते हैं। कबीर बेदी का जन्म 16 जनवरी 1946 को लाहौर के एक सिख परिवार में हुआ था। उनके पिता बाबा प्यारे लाल सिंह बेदी एक पंजाबी सिख, एक लेखक और दार्शनिक थे। उनकी माँ फ्रेडा बेदी एक ब्रिटिश महिला थी जो इंग्लैंड के डर्बी में पैदा हुई थी, जो तिब्बतीय बौद्ध नन बनने वाली पहली पश्चिमी महिला थी। कबीर के एक भाई रंगा बेदी और एक बहन गुलहिमा बेदी हैं। कबीर बेदी ने शेरवुड कॉलेज नैनीताल उत्तराखंड से अपनी स्कूली शिक्षा और सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। कबीर बेदी ने अपने करियर की शुरुआत इंडियन थिएटर से शुरू की थी। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड हिंदी फिल्मों की तरफ रुख कर लिया। कबीर बेदी के करियर की शुरुआत ओपी रलहन की फिल्म हलचल से हुई, फिर उसके बाद उन्होंने सीमा, राखी और हथकड़ी जैसी फिल्में की, लेकिन ये सभी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। लेकिन उन्हें पश्चिमी देशों में नाम और शोहरत यूरोप की मशहूर मिनी सीरीज सिंडिकॉन में काम करने के बाद मिले। कबीर ने बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपसी में मुख्य खलनायक का किरदार निभाया। इसके साथ ही कबीर ने मशहूर टीवी शो ओपेरा में भी काम किया। बेदी भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों में से एक है जिन्होंने हिंदी फिल्मों में शुरुआत की, हॉलीवुड की फिल्मों में काम किया और यूरोप में एक बेहतरीन स्टार के रूप में उभरे। कबीर बेदी ने साल 1976 में नागिन फिल्म की, जिसमें इन्होंने उदय की भूमिका निभाई। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई। इसके बाद उन्होंने बहुत सारे हिट फिल्मों में काम किया, जैसे क्षत्रिय, सलामी, खून भरी मांग, कोहराम, क्रांति और साल 2015 में रिलीज हुई फिल्म दिलवाले। फिल्म खून भरी मांग में कबीर बेदी ने विलन की भूमिका निभाई, जिसने दर्शकों के दिल पर अपनी एक अलग छाप छोड़ दी। कबीर बेदी ने कई मुख्य फिल्मों में काम किया, जिसमें कुर्बान, यलगार, मोहनजोदारो, आतंकी आतंक, मैहूना, काइट्स आदि। अब कबीर की निजी जिंदगी पर नजर डालते हैं। कबीर बेदी ने फिल्मी जिंदगी से ज्यादा अपनी निजी जिंदगी में काफी सुर्खियां बटोरी हैं। आपको बता दें, कबीर बेदी ने 4 शादियां की हैं। कबीर बेदी की पहली शादी 1969 में डांसर प्रतिमा बेदी से हुई। 2000 में छपे एक आर्टिकल के मुताबिक कबीर बेदी की सगाई अम्बला सनियाल नाम की एक लड़की से भी हो चुकी थी, लेकिन वो 19 साल की मॉडल प्रतिमा बेदी गुप्ता के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। इस दौरान प्रतिमा प्रेग्नेंट हुई और कबीर को उनसे शादी करनी पड़ी। शादी के कुछ महीने बाद उनकी बेटी पूजा बेदी का जन्म हुआ, जो एक मॉडल और अभिनेत्री हैं, और बेटा सिद्धार्थ है। कबीर प्रतिमा का रिश्ता 1969 से लेकर 1973 तक ही चल पाया। इसके बाद कबीर 3 साल तक अभिनेत्री प्रवीण बोवी से अफेयर और लिव इन में गए, जहां उन्हें सिक्रोफ्रेनिया बीमारी हो गई। 1997 में सिजोफ्रेनिया बीमारी से पीड़ित उनके बेटे सिद्धार्थ ने कर ली। इस सदमे के कुछ बाद ही उनकी पहली पत्नी प्रतिमा भी चल बसी। उन्होंने दूसरी शादी ब्रिटिश फैशन डिजाइनर सुजेन हम्फ्रेज से की। दोनों का एक बेटा एडम बेदी है, जो एक इंटरनेशनल मॉडल है। एडम फिल्म हेलो कौन है से बॉलीवुड में शुरुआत कर चुके हैं। इसके बाद उनकी दूसरी शादी भी तलाक में बदल गई। कबीर ने 1990 के दशक में तीसरी शादी टीवी और रेडियो प्रेजेंटर निक्की से की। 2005 में रिश्ता तलाक पर खत्म हुआ, हालांकि इनसे इनके कोई बच्चे नहीं हैं। इसके बाद कबीर की मुलाकात प्रवीण दोसांझ से हुई। 2006 में कबीर बेदी अपने और दोस्त प्रवीण दोसांझ के साथ अफेयर की खबरों के लिए चर्चाओं में बन गए थे। दोनों ने रिश्ते को साल 2016 में शादी का नाम दिया। कबीर ने अपने 70वें जन्मदिन पर प्रवीण के साथ फेरे लिए। बता दें, उनकी चौथी पत्नी उनसे 29 साल छोटी है। उनकी बेटी पूजा बेदी से भी 4 साल छोटी है। उम्र का 70वां पड़ाव पार कर चुके कबीर का कहना है कि वह अपनी करीबी दोस्त प्रवीण दोसांझ के साथ शादी रचा कर काफी खुश हैं। उनका ये भी कहना है कि उनकी आखिरी शादी है। वो प्रवीण से 4 बच्चे भी चाहते हैं। कबीर बेदी की एक नातिन भी है, जिसका नाम अलाया एफ है, जो माँ पूजा बेदी की तरह ही ग्लैमरस है। कबीर बेदी का करियर और जिंदगी हमेशा ही भारतीय शैली से अलग रही है। कबीर बेदी भारत के राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को लेकर तहलका और द टाइम्स ऑफ इंडिया सहित भारतीय प्रकाशनों के लिए एक नियमित योगदान करता रहे हैं। उन्हें भारतीय राष्ट्रीय टेलीविजन पर भी इन विषयों पर चर्चा करते हुए देखा जा चुका है। कबीर बेदी ने अपने जीवन में कई पुरस्कार और उपलब्धियां भी हासिल की। उनके भारत ही नहीं, दुनिया भर में उनके कई प्रशंसक हैं। उन्होंने भारत और यूरोप में फिल्मों और विज्ञापनों में कई पुरस्कार भी जीते हैं। सन 1982 के बाद कबीर मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेज के प्रतिष्ठित अकेडमी के सदस्य बने। ये संस्था ओस्कर पुरस्कार पेश करने की जिम्मेदारी उठाती है। कबीर बेदी बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता और एक्टर ही नहीं, बल्कि एक दमदार आवाज के मालिक और जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीने वाले इंसान हैं।
कबीर बेदी ने जमाने की परवाह किए बगैर ही अपनी रियल लाइफ को रियल लाइफ की तरह ही जिया है, लेकिन उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव लोगों से छिप नहीं पाए।